नमस्कार दोस्तों बी टी सी इंडिया यूट्यूब चैनल स्वागत है दोस्तों कैसे कैसे हो हो आप सब लोग क्योंकि बहुत दिन बाद मिले हैं तो तो हालचाल बता देना कमेंट करके तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए अगर करानी चाहिए तो क्या फायदा और क्या नुकसान है इस चीज पर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चीज जरूरी है आपको जानना क्योंकि हवा में कोई भी बात करना अच्छी चीज नहीं होती है कि अगर मैं हर चीज के अगर फायदे फायदे गिनाता रहू और आप उस चीज में घुस जाओ और बाद में सब ये चीज पता लगे तो फिर आपको बहुत बड़ा दिक्कत हो जाए क्योंकि ये मजाक वाली बात नहीं होती है यहाँ पे पैसा भी खर्चा करना पड़ता है तो मैं यहाँ पे कुछ एडवांटेज की बात करूं तो सब लोग जानते हैं कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे तो यहाँ पे हमको एक बहुत कम कीमत में कोई प्रोडक्ट तैयार होके मिल जाएगा और हम अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं और मोस्ट जो फायदा होता है वो कीमत का ही होता है कीमत के ऊपर ही सब लोग मतलब काम करते हैं आज के टाइम पे क्योंकि जो कंपटीशन है जो डिजाइन का और कीमत का यही मोस्ट बाकी तो सब सिमिलर हर जगह मिल ही जाते हैं फायदे तो मतलब मोस्ट ऑफली सब लोग जानते हैं इसलिए सब बोलते हैं कि हम लोग मैनुफैक्चरिंग करा लें क्या या हम मैनुफेक्चरिंग करेंगे तो बहुत फायदा होगा क्योंकि जब लोग कीमत सुनते हैं कि यार होलसेलर कीमत ये है और ट्रेडर का कीमत ये है तो मैनुफेक्चर से हम खरीदते तो कीमत ये मिलता है तो हम खुद मैनुफेक्चरिंग कराएंगे तो कीमत क्या मिलेगा तो लोग को बहुत अच्छा सा लगता है लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ आपको कि मैनुफैक्चरिंग करने में बहुत बड़े दो घाटे हैं एक तो ये है कि अगर आपने कभी इस लाइन में काम नहीं किया है और आप इस लाइन में घुसोगे ना तो मैं 95 परसेंट बोल देता हूँ आप पक्का फेल हो जाओगे क्योंकि इसमें दो पहलू होते हैं मैं, कोई भी मैनुफेक्चरिंग कराने से पहले एक तो आपको ऑपरेशनली नॉलेज होना चाहिए और दूसरा आपको कपड़े के बारे में ट्रेंड के बारे में और जो इंडिया में क्या कौन से लोकेशन पे क्या चलता है ये पूरा नॉलेज होना चाहिए इवन आपको एडवांस नॉलेज होना चाहिए कि आगे आने वाला जो टाइम है वो कैसा आने वाला है यहां तक अगर आपको नॉलेज है ना तो आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं क्योंकि आप जानते होंगे कि यहाँ पे सूरत में और भी अदर सिटी के अंदर लोग होलसेलर और ट्रेडिंग क्यों करते हैं उनके पास तो कस्टमर बेस भी होता है बहुत सारे कस्टमर भी होते हैं अगर वो कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे तो बेच भी सकते हैं लेकिन फिर भी वो लोग क्यों नहीं करना चाहते मैनुफेक्चर क्योंकि जहां से वो मैनुफेक्चर से खरीद रहे हैं हो सकता है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो और उनको बीच में बेनिफिट मिल जाएगा ना लेकिन वो फिर भी नहीं करते ना तो वहां पे मैं आपको बोलना चाहूंगा एक रीजन है कि जब आप कभी कोई मैन्युफैक्चरिंग करने जाते हो ना तो आप एक नया एक डिजाइन डेवलप करने जाते हो एक नया टेस्ट डेवलप करने जाते हो जो कि मार्केट में नहीं आया उस टेस्ट के बारे में अगर आपने अच्छा सा प्रेडिक्ट किया और अच्छा सा सोचा और जो अपना एक्सपीरियंस है वो लगाया तो आप एक अच्छा और बेहतर डिजाइन कर पाओगे और लोगों को अच्छी तरह से सेल अच्छे रेट में कर पाओगे लेकिन अगर वाई अगर वो डिजाइन फेल हुआ तो आपको बड़ा दिक्कत हो जाएगा तो जो लोग हैं ना इस चीज में घुसना नहीं चाहते दूसरा रीजन होता है कि लोगों के पास ना बड़ा कस्टमर वेस्ट नहीं होता है बड़ा कस्टमर वेस्ट क्या होता है कि अगर सपोज आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप पक्का इतना तो है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप रिटेल में तो बेचने वाले नहीं हो आप होलसेलर को ही देने वाले हो अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना तो ये चीज आप भूल जाओ अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं अपनी दुकान खोलूंगा वहां से मैन्युफैक्चरिंग करा के लाऊंगा और यहाँ के अपने यहाँ पे बेच दूंगा तो ये तो अपने दिमाग से निकल दो और दोस्तों वीडियो में बीच में एक मैं बोलना चाहूंगा कि आप इसको एक से लगा के दस तक वीडियो को रेट जरूर करें जिससे मेरे को पता लगे वीडियो का मतलब कॉन्टेंट कैसा है और आपको अच्छा लगा नहीं लगा और लाइक जरूर कर दें वीडियो को सुनने में बेकार लग रहा होगा आपको कि आप पहले तो हमको बताते हो मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हो और फिर बाद में ये सब डिस एडवांटेज भी बताते हो हमको देखो डिसएडवांटेज बताना बहुत ज़रूरी होता है मीठा मीठा बोल के अगर आप अगर किसी चीज़ में हाथ डाल दोगे और बाद में पता लगे कि यहाँ तो यार में हमको कुछ ही नहीं, नहीं चाहिए तो इसलिए मेरा बताने का मतलब यही है और जानकारी होना हो आपको जरूरी है मैं सबसे पहले आपको क्या बोला था कि आप कस्टमर बेस बना लो आप बेचना सीख जाओ तो आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि जब आपके पास कस्टमर बेस आ जाएगा ना तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं आपके पास नॉलेज आ जाएगा ना तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं कि जब तक आपके पास नॉलेज और कस्टमर बेस नहीं आएगा ना आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में छोटा मोटा क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं होता है यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी करना पड़ता है इसलिए मैन्युफैक्चरर होलसेलर ट्रेडर के बीच में आ जाते हैं लोग क्योंकि वो सब इतना कोई कर नहीं पाता रोग रिस्क नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो जानते हैं

तो आप समझ लो कि आप बहुत बड़ा काम फैलाने वाले हो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करना कोई एक दिन का काम नहीं होता कि आज हम गए और दो दिन में माल खरीद के ले आगे क्योंकि एक दो दिन तो आपको माल जो खुद रेडीमेड माल है ना उसको खरीदने में लग जाता है मार्केट से अच्छी चीजें देखने में करने में क्योंकि आपको ये सारी दिक्कतों का सामना ना आपको हर जगह करना पड़ेगा कि मैं जिस जगह करा रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग वो बहुत अच्छी जगह होना चाहिए क्योंकि इनिशियली आप ना आप डायरेक्ट 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 जाके कंपनी तो खोलने वाले नहीं है कोई भी सिटी के अंदर आप ही मतलब जॉब वर्क पे ही काम कराने वाले हो तो जॉब वर्क पे जब हम काम कराते हैं तो हर जगह जो आपको अभी जो दिक्कत आ रही है ना कि हमको अच्छा मैन्युफेक्चर नहीं मिल पा रहा है या अच्छा होलसेलर नहीं मिल पा रहा है ना उस टाइम पे भी वही दिक्कत आपके सामने आएगी कि हमको अच्छा कंपनी नहीं मिल पा रहा है काम करने वाला क्योंकि हर एरिया में ना ये दिक्कत है हमेशा रहती है अच्छा और जो रीजनेबल वाला जो फंडा रहता है ना लोगों के वो हमेशा जिंदगी भर तक रहता है क्योंकि उनको हमेशा बेटर चीज चाहिए बेटर 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 क्वालिटी बेटर चाहिए पैसा कम चाहिए तो ये हमेशा चलता रहता है तो इस चीज में भी आप आओगे ना तो आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा और रिसर्च करने के बाद फिर आपको टाइम भी देना पड़ेगा क्योंकि वो टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं नहीं कर रहे आपने जो डिजाइन दिया वो उन्होंने सही तरह से नहीं बनाया तो ये बहुत सारी चीज आपको देखने के लिए खुद मैनेज करने के लिए यहां पे रहना पड़ेगा और इवन आदमी भी रखने पड़ेंगे तो इनिशियली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कपड़े के अगर लाइन में आप जाना है तो कपड़े में कुछ भी आप बेचना सीख लो जो आपकी पसंद है बेचने के लिए वो बेचना सीख लो तो उसमें आप बेचने से बस इतना आइडिया आ जाएगा आपके अंदर की भी ताकत पता लग जाएगी कि आप जितना मतलब सोच रहे थे उतना आसान है या नहीं है या आपने जो सोचा उससे भी आसान है तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि हाँ यार, यार ये मार्केट में क्या चलता है कौन कौन यहाँ पे जो अच्छे अच्छे धुरंधर बैठे हैं अपने मार्केट के अंदर क्योंकि जब तक आप अपने मार्केट के धुरंधरों को नहीं जानोगे ना तो आप बिजनेस भी नहीं कर पाओगे क्योंकि जब कंपटीशन मतलब कब पता लगता है कंपटीशन मतलब क्या होता है वही होता है जो आपके जो पहले पुराने टाइम से जो लोग बैठे हुए हैं तो अब अब तक जो सस्टेन ऐसे तो नहीं कर पाए होंगे कुछ तो उनके अंदर कुछ बात होगी तो उन लोगों से पहले उन लोगों का पता लगाना है धीरे धीरे बेच के उन लोगों का क्या है मार्केटिंग कैसे करते हैं वो लोग बेचते कैसे सेलिंग कैसे करते हैं लोकेशन क्या है उनका तो बहुत सारी चीज उनसे आपको सीखने को मिल जाएगी फिर आप ध्यान से सोच पाओगे कि हाँ मुझे अब ये काम करना है इनके इनसे हटके करना है या अगर सेम ही काम करना है तो मुझे कस्टमर एक्वायर करने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा इनसे तो उस टाइम पे आप सोच सकते हैं और उस टाइम फिर आप प्राइस रेंज की बात में जाएंगे ना जब आपका जैसे ही मतलब बढ जाए ना कि हाँ भाई मेरा सेलिंग गया, तब आप को सोच सकते हैं अच्छा लगता है सब को करना, पड़ता है हो गया, अगर आपने एक, पचास हजार एक लाख रुपया डेढ़ लाख रुपए का माल बनवाया और वो नहीं चला भाई दे तो आप झेल पाओगे क्या क्योंकि इससे कम बनता भी नहीं है और बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ी आपको तो देखो मेरा काम है बताना आपको मैंने जो बात वायदा किया है वो सब तो मैं बताने वाला ही हूँ कि मैन्यूफेक्चरिंग कहाँ पे कैसे क्या क्या एक वन बाई वन स्टेज बात करने वाला ही हूँ लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ अवेयरनेस हो जिससे क्या है इसमें से कुछ लोग ना अपने आप फिल्टर हो जाएंगे जो उनको अपने आप लग जाएगा कि हाँ यार मैं मुझे सब काम नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा इतना सेलिंग नहीं है या मेरा इतना कैपेसिटी नहीं है पैसा खर्च करने का क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम बीस हजार रुपए का माल गए और बनवा के लिए गया ऐसा मतलब जैसे बोलते हैं ना चने भुजवाने के लिए जाते हैं बाहर पे चने ले गए भुजवा के लिए तो वो सब चीज नहीं होता है आप सब समझदार लोग हैं क्योंकि आप मे भी मेरे को लग रहा है कि आप ट्वेंटी ईयर प्लस ही होंगे सब लोग ठीक है तो आप इतने तो समझदार हैं कि ये सब चीज ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतना मैन पावर जो मैन्युफैक्चर लगाते हैं वो ऐसे ही तो नहीं लगाते उनको इतना सारा काम रहता है तब जाके लगाना पड़ता है क्योंकि आपको मार्केटिंग करना है आप तो मार्केटिंग में घिर जाओगे क्योंकि जिस चीज को बना रहे हो आप उसको भेजना भी तो है उसके लिए प्लानिंग तो करना है ना आपको और बाकी लेन देन रहता है बहुत सारा काम हो जाता है तो बाकी आपको मैन पावर भी रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में तो इसलिए और वो भी दूसरी सिटी के अंदर का आप काम करने वाले हो ना तो थोड़ा आसान नहीं रहता है वहां की सब अथॉरिटी रहती है उनके साथ उनके थ्रू काम करना और वहां पे और भी लोग कुछ कुछ दिक्कत आती है जैसे आपके एरिया में दिक्कत आती है अगर कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत होगी ऐसी अलग एरिया में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है अगर आप उस फील्ड में जा रहे हो तो तो बस मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको फिर भी आपको करना है तो मैं वीडियोस तो बनाते रहूंगा और हाँ दोस्तों ये तो हो गई अपनी बिजनेस वाली बात है एक चीज मैं कॉमन बात बोलने वाला हूँ कि जो कोरोना वायरस वाला जो अभी चल रहा है ना फिलहाल अभी नए घर पे ही रहें और हो सके तो खुद को बचा लें अगर सोच लो आपने खुद को बचा लिया ना तो समझ लो देश को बचा लिया और हो सके तो किसी की हेल्प कर दें अगर आप उस लायक हो तो क्योंकि हो सकता है किसी के बाद खाने के लिए रोटी भी नहीं हो अगर आप ज्यादा नहीं तो एक दिन का भी डोनेट कर सकते हो एक दिन का खाना भी डोनेट करना है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि एक दिन का खाना मतलब आदमी के लिए जिसके पास नहीं है ना अमृत जैसा हो जाता है तो घर पे रहें सुरक्षित रहें अपने आप को सुरक्षित कर लो इंडिया ऐसे ही सुरक्षित हो जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए जानकारी से भरा हुआ होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और एक से लेकर दस तक रेट करके जरूर बताने वीडियो को कैसा लगा सो थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में